नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धीरेंद्र डबास्तर ट्रैवल देसी में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त धीरेंद्र डबास्तर। दोस्तों, आज मैं आपको लेके चल रहा हूं पतैया सिटी की सबसे फेमस जगह पर। तो दोस्तों, हाँ, आपने सही सुना, द मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन पटाया, इसका नाम है ट्रूथ ऑफ सेंचुरी। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूँ ट्रूथ ऑफ सेंचुरी, एक ऐसा म्यूजियम जो पूरा लकड़ी से बना हुआ है और बेहद खूबसूरत है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है ट्रूथ ऑफ सेंचुरी, एक लाजवाब म्यूजियम। मुझे तो ये एक मंदिर की तरह लगा दोस्तों, लेकिन ये इसे म्यूजियम बोलते हैं, लेकिन एक लाजवाब म्यूजियम। चलिए देखते हैं ट्रूथ ऑफ सेंचुरी। फ्रेंड्स, अब मैं आ पहुंचा हूँ पटाया की सबसे फेमस जगह जिसका नाम है ट्रूथ ऑफ सेंचुरी। तो दोस्तों, चलिए दिखाते हैं और बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। और ये जो है उन फेमस जगह में से एक है जो पटाया में सबसे फेमस है। तो दोस्तों, यहाँ की जो एंट्री टिकट है वो 500 बात है, और ये लगभग वॉकिंग स्ट्रीट से 6-7 किलोमीटर दूर है। यहाँ आने में यदि आप अपनी प्राइवेट टैक्सी करते हैं तो 200 बात पर हेड लगेंगे, और यदि आप जो है टुक टुक वगैरह से आते हैं तो वो आपको यहाँ छोड़ जाएंगे, उसकी भी जो है लगभग 100-150 बात वे ले लेंगे, लेकिन आपको यहाँ से छोड़ के वापस चले जाएंगे। और टैक्सी वाला यदि आपके साथ है तो वो यहीं बना रहेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप टैक्सी लेके आएँ। तो चलिए बात करते हैं ट्रूथ ऑफ सेंचुरी की। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रूथ ऑफ सेंचुरी की कि इसको किसने बनाया। तो इसको बनाने वाले थे लेक विरियाफान, जो एक करोड़पति थाई व्यवसायी थे, और वो कुन लेक के नाम से भी प्रसिद्ध थे। कुन लेक का जन्म 1914 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 17 नवंबर 2000 में हुई है। दोस्तों, कुन लेक को एक सांस्कृतिक संरक्षक के रूप में देखा गया था, जिन्होंने प्राचीन सीएम इरावान संग्रहालय और इस ट्रूथ ऑफ सेंचुरी के निर्माण के लिए जो है जिम्मेदार कहा जाता है। दोस्तों, ट्रूथ ऑफ सेंचुरी अभी भी एक अधूरा संग्रहालय है, और इसके जो निर्माता थे, इसके जो डिजाइनर थे, वो लेक विरियाफान ही थे। तो दोस्तों, ये एक म्यूजियम है, एक मंदिर की तरह है, एक महल की तरह है, और जिसे अयोध्या यानी कि हम अयोध्या बोलते हैं, ये थाई लोग अयोध्या बोलते हैं, अयोध्या साम्राज्य है, और बौद्ध और हिंदू मान्यताओं पर आधारित है ये। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक अधूरा संग्रहालय है, और ये है वो फैक्ट्री जहां पर इसके पार्ट्स बनाए जाते हैं। ये एक पूर्णतः लकड़ी से बनाया गया जो है संग्रहालय है दोस्तों, और ये है इसका मिनिएचर, ऐसा ही ये बड़ा बनाया गया है, ये इसका जो है चित्रण है। तो ये है ट्रूथ ऑफ सेंचुरी जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये ट्रूथ ऑफ सेंचुरी प्योरली लकड़ी से बना गया म्यूजियम है, और इसमें जो इस्तेमाल होने वाली जो लकड़ियां हैं वो है माई डैंग, माई ताकीन, माई पंचाट और टीक। तो दोस्तों, ये इन सभी लकड़ियों से बनाया गया एक शानदार म्यूजियम है। इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जितनी भी ये मूर्तियां लगी हुई हैं दोस्तों, ये भी पूरी लकड़ी से तराशी गई मूर्तियां हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये बनाया कब गया था। तो इसका जो निर्माण है वो पहली बार 1981 में शुरू हुआ था, और अभी भी ये निर्माण इसमें जारी है। आपको एक बात और बता दूं, जैसे कि मैंने कहा कि ये अधूरा म्यूजियम है, तो इसमें कार्य चलता रहता है, इसीलिए यहाँ जो भी टूरिस्ट जाता है उसको एक सख्त हेलमेट पहनाया जाता है, तभी इसके अंदर भेजा जाता है। बिना हेलमेट के इस म्यूजियम के अंदर एंट्री नहीं है। दोस्तों, ये जो म्यूजियम है ये 13 हेक्टेयर भूमि पर जो है स्थित है, और जो इसका मंदिर है यानी कि जो ये म्यूजियम है वो 2115 वर्ग मीटर का है, और जो इस मंदिर की सबसे ऊंची चोटी है वो 105 मीटर ऊंची है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस म्यूजियम का जो निर्माण है वो 1981 में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये पूरा होने में लगभग 2025 तक ये पूरा हो जाएगा,
ऐसा वहां पर बताया गया था। दोस्तों यहां पर चारों तरफ जितनी भी मूर्तियां बनाई गई हैं और जो ये म्यूजियम बनाया गया इसमें पूर्ण रूप से जो थाई वास्तुकला है वो झलकती है। और दोस्तों इनका मानना ये है कि जिस लकड़ी से ये बनाया गया है इस हिसाब से ये म्यूजियम अगले 600 साल तक जो है बना रहेगा, मतलब ये जो है इसकी जो मयाद है वो 600 साल होगी, ऐसा इनका मानना है। इस ट्रूथ ऑफ सेंचुरी को हिंदी में कहेंगे सत्य का अभयारण्य। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी जब हम इस गेट से अंदर आ रहे थे मैंने दिखाया था कि ऊपर एक चार सिर वाली मूर्ति है, वो जो है वो भगवान ब्रह्मा जी की मूर्ति है और अपने हिंदू धर्म से उस चीज़ को लिया गया है यहाँ पर, जो माता पिता, शिक्षक, राजा और हाथी के सिर वाले भगवान गणेश के प्रति जो हमारी रेस्पेक्ट है, हमारा सम्मान है, वो दिखाती है। दोस्तों इस म्यूजियम के नॉर्थ हॉल में बोध गुनियन की मूर्ति है जो हमें मुक्ति का ज्ञान देती है। और यहाँ का जो साउथ हॉल है उसमें खगोलीय विषय यानी कि सूर्य, चंद्रमा और अन्य जो ग्रह हैं कि वो जो है लोगों की जो भलाई को कैसे प्रभावित करते हैं वो उसको दिखाया गया है। और जो यहाँ का वेस्टर्न हॉल है यानी कि पश्चिमी हॉल में शास्त्रीय तत्वों यानी कि जो क्लासिकल एलिमेंट्स हैं जैसे पृथ्वी, जल, हवा और अग्नि जो है, और हिंदू त्रिमूर्ति की मूर्तियाँ लगी हुई हैं जैसे भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव, जो चार तत्वों पर विजय प्राप्त करते हैं। और जो इसका ईस्टर्न हॉल यानी कि पूर्वी जो हॉल है उसमें पारिवारिक प्रतिनिधित्व को दिखाया गया है यानी कि फैमिली को पर जो है फोकस किया गया है। इसमें मेनली फोकस किया गया है पूर्वी धार्मिक अवधारणाओं को और जीवन के चक्र को चित्रित किया गया है इसमें। तो दोस्तों ये था ट्रूथ ऑफ सेंचुरी म्यूजियम, ये बेहद लाजवाब म्यूजियम था दोस्तों, मुझे बड़ा मज़ा आया यहाँ पर और ये थी इसके बारे में कुछ जानकारियाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर इनका काम कैसे होता है वो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था आपको, जो फैक्ट्री थी जहाँ पे नकाशियाँ हो रही थी आप वो देख सकते हैं। और ये है एक लाजवाब मंदिर जो बिल्कुल इसके स्टार्टिंग में है, इसमें विराजमान है भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश। तो लाजवाब था, बेहद अच्छा था। आप यदि पताया सिटी जाते हैं तो यहाँ ज़रूर जाएं। आप यहाँ पर जो है हाथी की सवारी भी कर सकते हैं जो इसी के बिल्कुल पास है। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, आप यहाँ बैठकर जो है भोजन कर सकते हैं, चाहे वो वेज हो, चाहे वो नॉन वेज हो, चाहे वो स्मूदीज हो। और ये है एक बहुत प्यारी सी झील और ये सामने जो है हाथी की सवारियाँ हैं। तो दोस्तों आपको एक बात और बता दूँ, जो 500 बात आपसे लिए जाते हैं उसमें आपको एक गाइड भी प्रोवाइड किया जाता है जिस जो इंग्लिश और चाइनीज़ और रशियन की जो भाषाओं में इसको पूरे इसको जो है म्यूज़ियम को दिखाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपके लिए लाभदायक होंगी। और ये है इसमें एक छोटा सा जू जिसमें ये दो चार ही प्रजाति के जो जानवर आपको देखने को मिलेंगे। और ये है दूर से इस म्यूज़ियम का नज़ारा जिसमें चारों तरफ जो है मूर्तियाँ जो है खड़े रूप में जो है लेटे हुए रूप में जो है दिखाई गई हैं। और मैंने आपको बताया कि इसको कब बनाया गया था, कैसे बनाया गया था और जो है अब भी इसका कार्य जारी है। तो ये था ट्रूथ ऑफ सेंचुरी, देखिए और इन्जॉय कीजिए। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि ज़्यादा पसंद आता है तो आप हमें कमेंट करके भी अपनी राय बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों ये था ट्रूथ ऑफ सेंचुरी, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपके लिए यूजफुल होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में पताया सिटी की किसी और फेमस जगह के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।